आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। हमारे पास एक फोर क्वेश्चन है और हमने बताना है कि इनमें से नल सेट कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिड बाई टू। ऑड नेचुरल नंबर का सेट है जो टू से डिवाइड होता है, तो बताओ ऐसा कोई नंबर आपको मिलता है जो नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर हो और टू से डिवाइड भी होता हो। ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलता है। अगर नंबर नहीं मिलता है, ये कौन सा सेट हुआ, नल सेट हुआ। सी योर नल सेट, ऐसे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये एक नल सेट है। ठीक है जी, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स हैं इवन, उनका सेट। तो बताओ कोई ऐसा एलिमेंट है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। ये देखिए, मैं ये एक सेट लिख रहा हूँ और आप देखें, इसने कहा कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ये देखो, ये जो टू है, क्या ये इवन है और ये प्राइम भी है। सो इस सेट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें एक एलिमेंट आ जाएगा। अगर एक एलिमेंट आएगा तो ये नल सेट नहीं होगा। ठीक है जी, नल सेट क्या है, कोई भी एलिमेंट आपको उसमें नहीं मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, हट गया है। इस टाइप के सेट है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। ऐसा एक सेट है जिसमें एक नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। अब बताओ क्या ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है जो 5 से छोटा भी हो बट वो 7 से बड़ा भी हो। एक ही नंबर, सेम नंबर, एक्स लिया है यहाँ पे, एक्स यहाँ पे भी एक्स लिया है, मतलब तो सेम नंबर जो है वो 5 से भी छोटा होना चाहिए और सेम नंबर 7 से भी ग्रेटर होना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है, कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो सो इट इज ए नल सेट। तो क्या है, एक नल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ये देखिए, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। इसने कहा इसमें कॉमन, अब ये बताओ कि जब कोई दो लाइंस पैरेलल हैं, क्या उनमें कोई कॉमन है, क्योंकि कॉमन होने के लिए ये दो लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट करनी चाहिए, दिस इज द कॉमन पॉइंट। तो ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं करती। अगर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो इसमें कोई भी पॉइंट आपका कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो फिर ये क्या हुआ, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं आया। सो अगर इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, दैट इज नो एलिमेंट, सो इट इज ए नल सेट। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट। ये पांच क्वेश्चन दिए आपको, आपने इनमें से हमने चूज करना है कि कौन से फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं। लीजिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर, एक साल में जो महीने आते हैं उनका सेट। हम फाइनाइट और इनफाइनाइट को कैसे जज करेंगे। फाइनाइट क्या होता है, जिसमें आपको सभी एलिमेंट्स का पता हो, और इनफाइनाइट जिसमें आपको उस सेट के सभी एलिमेंट्स का पता नहीं है। अब देखिए, तो क्या हुआ, सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, एक साल में जितने महीने हैं उनका सेट है। तो एक साल में कितने महीने थे, 12। इसका मतलब आपको सभी एलिमेंट्स का पता है। अगर पता है तो ये एक फाइनाइट सेट बनेगा। कौन सा बनेगा, फाइनाइट सेट बनेगा। मैं एफ से इसको लिख देता हूँ, ये फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, एलिमेंट किस टाइप के हैं, 1 2 3 सो ऑन। सो ऑन का मतलब
इसके आगे बहुत सारे एलिमेंट हैं, कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। तो इसका मतलब इसके जो सारे एलिमेंट्स है सेट के, उनके बारे में हमें नहीं पता है। अगर नहीं पता है ये कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट, इसको मैं आई एफ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1, 2, 3 फिर सो ऑन और लास्ट में से 99 और 100 दिए। कहीं इसे क्या आपको पता चलता है कि फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फिर उसके बाद 2, फिर 3 और इसके बाद 4, फिर 5, ऐसे चलता जाएगा और आपका लास्ट एलिमेंट आपको 100 मिल जाएगा। तो देखो आपको इन सभी एलिमेंट्स का पता है। अगर आपको इस एलिमेंट्स का पता है तो ये कौन सा सेट हुआ, फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर का सेट दिया है जो 100 से ग्रेटर है। अब 100 से ग्रेटर का मतलब ये हुआ कि वो 101 होगा, क्योंकि तो आपके पॉजिटिव इंटीजर है ना, दूसरा क्या होगा, दूसरा का 102। और इस प्रकार आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। अब बताओ अब क्या इन सभी के, क्या इस सेट के सभी एलिमेंट्स को आपको पता है, नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो ये कौन सा सेट हुआ, इनफाइनाइट। ठीक है जी, आई एफ लिखा इनफाइनाइट के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखें, फिफ्थ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। हमने हमें क्या गिवन है, सेट गिवन है प्राइम नंबर्स का और वो 99 से लेस है। देखो किस प्रकार के एलिमेंट है इसमें। अब जो प्राइम नंबर है, सेट ऑफ प्राइम नंबर, तो सेट प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, फिर उसके बाद 3, 5, ये प्राइम नंबर है ना, और ऐसे हम चलते जाएंगे कहाँ तक जाएंगे, इसने कहा लेस देन 99। तो लेस देन 99 में ऐसा कौन सा लास्ट वाला जो आपके पास प्राइम नंबर है, आई थिंक 97। तो 97 जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो ये जो सेट है, अब इस सब के एलिमेंट्स आपको पता है, सो इट इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट इनफाइनाइट। फिर से क्वेश्चन यही आ गया कि आपने ये 5 क्वेश्चन आपको गिवन है और आपने बताना है कि इनमें से कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको एक सेट गिवन है लाइंस का और वो जो लाइंस हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं। यहाँ देखिए, ये थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये है एक्स और ये है वाई, ये पता है आपको ना, दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज नीचे ये वाली जो वाई एक्सिस। अब इसने कहा कि सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आप बताओ इस एक्स एक्सिस की कितने लाइंस आप पैरेलल कर सकते हो, मेरे से ये पैरेलल बिल्कुल नहीं हो रहा यार, थोड़ा माउस को कर रहा है ऐसे, ये बताएं कितनी लाइंस आप ले सकते हो, जितनी मर्जी ले लो, किसने रोका है, ले लो जितनी मर्जी पैरेलल लाइंस जो है एक्स एक्सिस की, आप पैरेलल लाइंस जो है वो ड्रा कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इनफाइनाइट लाइंस ड्रा कर सकते हैं, सो दिस सेट इज इनफाइनाइट। कौन सा हुआ, इनफाइनाइट सेट है जी, आई एन सी दिया मैंने। ठीक है जी, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ए से, ए बी सी डी और ऐसे आप लास्ट में एक्स वाई जेड। अब ये बताओ कि जितने उसमें लेटर हैं क्या उन लेटर्स के बारे में आपको पता है, हमें पता है कि ए से स्टार्ट होते हैं और जेड तक जाते हैं, सो दिस इज ए फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। आपको एक सेट गिवन है जो 5 का मल्टीपल है और आपने बताना है कि क्या ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है। ये देखिए मैं आपको
यहाँ करके बताता हूँ। मल्टीपल फाइव का मतलब ए पहला एलिमेंट फाइव होएगा, दूसरा टेन हो जाएगा, तीसरा फिफ्टीन हो जाएगा, ऐसे ही फाइव के मल्टीपल आपके चलते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, नंबर दिए वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन आप बताओ कितने नंबर आप मल्टीपल कर लिख सकते हो, क्या आप इसका एंड वाला नंबर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट, आंसर हो गया इनफाइनाइट, ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर जितने भी एनिमल्स पशु रहते हैं उनका सेट, अब बताओ क्या आप उनको काउंट कर सकते हैं कि कितने एनिमल्स इस धरती पर रहते होंगे? हम काउंट नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते हैं तो वो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, आपको ऐसा सेट दिया है कि सर्कल का, और वो जो सर्कल है एक यहाँ पे, ये देखो मैंने एक पॉइंट ले लिया 0.0, ये एक इसका सेंटर ले लिया इसका सर्कल का, कहता है इस पॉइंट से जितने भी सर्कल पास कर रहे हैं उनका सेट आपने बताना है कि क्या वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। ये देखिए, ये मैंने जी पहला सर्कल ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आया, चलो ठीक है जी। अब मैं दूसरा ले रहा हूँ, मेरा जो कंपास है वो कहाँ पे है? वो इस पॉइंट पे है। फिर जब मैं कंपास रखूंगा, थोड़ी सी कंपास खोल दूंगा, ये देखिए यहाँ पे एक और सर्कल बना दूंगा ऐसे, फिर थोड़ी सी और कंपास खोल दूंगा, मैं एक और सर्कल ऐसे बना दूंगा। अब मुझे ये बताओ कि इस प्रकार मैं कितने सर्कल ड्रा कर सकता हूँ, क्या उसकी कोई लिमिट है, या मैं जितने मर्जी कर रहा हूँ? मैं जितने मर्जी कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें मैं रेडियस को खोता जाऊंगा, बड़ा करता जाऊंगा, और उतने मेरे सर्कल बनते जाएंगे। तो ये जो सेट है, तो ये कौन सा सेट आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए एंड बी, ए इक्वल टू बी, आपने बताना है कि ये क्वेश्चन है फोर, लेफ्ट हैंड साइड में ए और राइट हैंड साइड में बी है, आपने बताना है कि इनमें से कौन इक्वल सेट है कौन नहीं है। तो इक्वल सेट की हमने डेफिनेशन की थी कि दोनों सेट में एलिमेंट सेम होने चाहिए, ऑर्डर का कोई भी मैटर नहीं है, ऑर्डर आपका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। यहाँ देखिए, फर्स्ट सेट में आपके पास क्या एलिमेंट है? ए, फिर बी सी डी, इसमें देखिए ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, और चार एलिमेंट हैं, इसका मतलब जो ए और बी जो है वो क्या आ गया आपका? इक्वल सेट है, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन, दूसरा देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का जो सेट ए है उसमें एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12, 16, इसमें देखिए 8, 4, 16, 18, देखिए यहाँ पे है 12 और यहाँ पे 12 नहीं है, सो ये जो ए और बी है ये इक्वल सेट है नहीं, ठीक है जी। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आ भी गया होगा, कोई मुश्किल काम तो है नहीं ये। थर्ड देखें, ए में एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, अब बी के सेट देखो, बी सेट देखो एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10, और ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया। क्या सेट है? क्या एलिमेंट्स हैं? क्या एलिमेंट हैं? एक्स टाइप के एलिमेंट हैं और वो पॉजिटिव इंटीजर हैं, इवन इंटीजर हैं, और उसमें उनकी वैल्यू 10 या 10 से कम है। अब जो इवन इंटीजर हैं, आपको पता है कि यहाँ से कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो पहला इंटीजर जो इवन है पॉजिटिव 2, फिर 4, फिर 6, आगे 8
और लास्ट क्या आएगा 10, क्या ये आपके एलिमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे आपकी डेफिनेशन के हिसाब से? ये हमने इसको, ये जो सेट दिया है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, मैंने रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये ए में एलिमेंट है और बी में एलिमेंट, दोनों देखो सेम है। अगर सेम है तो मैं लिख सकता हूँ इक्वल सेट, ए जो है वो बी के इक्वल है, ठीक है जी। चलिए लेस क्वेश्चन नंबर 4, ए सेट है और एलिमेंट है एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, इसमें जो भी एलिमेंट है वो 10 के मल्टीपल हैं। देखो पहले 10 के मल्टीपल, देखिए जी पहला आ जाएगा 10, ठीक है, दूसरा आ जाएगा 20, आएगा कि नहीं, तीसरा आ जाएगा 30, ये देखिए, फिर अगला आ सकता है 40, ठीक है, और इसी प्रकार आप और भी नंबर जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसका रोस्टर फॉर्म बना लिया। अब बी जो है उसमें क्या एलिमेंट है, 10, 15, 20, 25, 30। अब देखिए यहाँ पे ये 15 और ये 25 है, ये दोनों क्या ये मल्टीपल हैं 10 के? नहीं है, तो फिर ये दोनों सेट इक्वल कैसे होंगे, क्योंकि तो इसमें तो 15 है ही नहीं, ये तो 10 के मल्टीपल हो रहा है, तो इसलिए ये ए क्वेश्चन नंबर जो 4 है नॉट इक्वल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। ये आपको दो क्वेश्चन दिए हैं और आपने बताना है कि ये सेट इक्वल हैं या नहीं, अगर हैं तो रीजन भी बताना आपने। तो पहला क्वेश्चन देखें, 2, 3, ये ए सेट है उसमें दो एलिमेंट हैं 2 और 3। अब बी जो है वो आपको ये दिया, और कौन सी फॉर्म बी आपको दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म, तो पहले से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपको गिवन है एक्स स्क्वेयर 5x + 6, ये स्क्वेयर है एक्चुअली, नीचे दिख रहा आपको, पर ये स्क्वेयर है। अब हमने इसे सॉल्व करके इसे भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर हमें पता चलेगा कि ये एलिमेंट सेम है ये नहीं है। तो आप इसे लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म, इसको सॉल्व करना तो आपको पता है, इसे सॉल्व करने के लिए आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए एक्स स्क्वेयर आपको पता है कि 5 को आपने ब्रेक करना है, जो मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और ऐड करके 5 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास आएगा 3x + 2x + 6, ठीक है जी, और इक्वल टू 0। ये तो आप इसे ऐसे कर सकते सॉल्व। आप देखो इन, तो ये आपका सॉल्यूशन है और इसमें दो एलिमेंट आ गए -3 और -2, और मैं इसे लिख सकता हूँ, देखिए v इक्वल टू ये, हाँ ये आ गया जी -2, -3। अब बताएं क्या a और b इक्वल है? देखो a में जो एलिमेंट है पर 2, 3 है, और b में जो एलिमेंट है -2, -3 है, सो ये इक्वल नहीं है, आपका आंसर है नो चलेगा। सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ए सेट है एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, किस टाइप का आपका सेट है कि जो फॉलो वर्ड है उसका सेट है, तो इसका सेट बना लेते हैं फॉलो वर्ड का। तो इसे कैसे बनाते हैं, हमने जो रिपीट है वो लेटर नहीं लिखनी, तो ए का लेटर आपके पास क्या आ जाएगा जी एफ, ठीक है, ऐसा गड़बड़ हो गया, तो दूसरा क्या आ गया ओ, ठीक है जी, और तीसरा क्या आ गया जी एल, चौथा क्या आ गया जी डब्ल्यू। तो ये सेट बन गया किसका, फॉलो वर्ड का। अब बी में क्या एलिमेंट है, वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, वॉल्फ में वर्ड में जितने लेटर हैं उनका सेट बनाना। तो देखो जी पहला आ जाएगा डब्ल्यू, फिर ओ, फिर एल, फिर
फिर एफ, नेक्स्ट एफ आ गया आपको। अब आप मिलाएं दोनों को, क्या इन दोनों के ए और बी के एलिमेंट सेम है जी? देखो एफ ओ एल डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू पहले है ओ एल है, तो लेटर तो सेम है, सिर्फ उनका ऑर्डर अलग अलग है, बट ये हमारा क्या है, इक्वल सेट है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। आपने ना ये आपको ए से लेकर एच तक सेट दिए हैं, आपने फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन से सेट इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, पहले वन ए ले लेंगे, उसको सबके साथ मिला के देखेंगे। अब देखिए ए को पहले बी के साथ करेंगे, ए बी इक्वल है, क्या ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट सेम है? नहीं, तो ए और बी इक्वल नहीं है। फिर ए और सी ले लेते हैं, ये है 2, 4, 8, 12 और सी में क्या है 4, 8, 12, 14, क्या इक्वल है? इसमें 14 नहीं है, इसमें 14 है, सो ए ए और सी भी इक्वल नहीं है। आगे देखिए ए और डी, ए में है 2, 4, 8, 12, डी में है 3, 1, 4, 2, ये भी इक्वल नहीं है एलिमेंट, सो ए दिस इज नॉट इक्वल सेट। ए और ई एलिमेंट नॉट इक्वल, नो इक्वल। ए और एफ 0 है, यहाँ पे 2, 4, 8, 12 है, नॉट इक्वल। ए जी 1, -1 है, बट ए में 2, 4, 8, 12 का नो इक्वल। एंड ए जी 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 2, 4, 8, 12 नो नॉट इक्वल। ए एच नॉट इक्वल, तो ए के साथ जितने भी सेट हैं वो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं अब बी, अब बी को पहले सी के साथ करेंगे। बी और सी में देखिए ये बी है 1, 2, 3, 4, ये सी है, नहीं इक्वल, नॉट इक्वल। बी और डी लें 3, 1, 4, 2, यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे कुछ दिखा, ये और ये सेट देखो सेम एलिमेंट है, तो फिर आपके पास आ गया बी इक्वल टू डी, ये आपका इक्वल सेट है। नेक्स्ट बी और ई नॉट इक्वल, बी और एफ नॉट इक्वल, बी और जी नॉट इक्वल, बी और एच नॉट इक्वल। नेक्स्ट सी लेते हैं, सी डी नॉट इक्वल, सी ई नॉट इक्वल, सी एफ नॉट इक्वल, सी जी नॉट इक्वल, सी एच नॉट इक्वल, ये भी कॉम्बिनेशन नहीं है। सी के बाद हम डी की लेते हैं, डी ई नॉट इक्वल, डी एफ नॉट इक्वल, डी जी नॉट इक्वल एंड डी एच नॉट इक्वल, लेकिन इनके एलिमेंट्स सेम नहीं है। अब हम लेते हैं ई, ई एफ नॉट इक्वल, ई जी, ये देखिए ई जी इक्वल है, इसमें -1, 1 है, इसमें 1, -1, सो सेकंड आपके पास जो आंसर है वो है सेट ई इक्वल टू डी, ठीक है जी। और फिर ई और एच नॉट इक्वल, अब ले लें एफ, एफ और जी नॉट इक्वल और एफ और एच नॉट इक्वल, लास्ट बचा आपके पास जी, जी एच नॉट इक्वल। तो आपके पास सिर्फ ये दो ही सेट हैं जो इक्वल हैं, बाकी जितने भी यहाँ सेट बन रहे हैं दे आर नॉट इक्वल, और आपने उनको ऐसे लिख लेना। मैं यहाँ लिख नहीं पाया, मैं एक लिख देता हूँ, जैसे ए बी नहीं है ना, तो आप हर एक को ऐसे लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी, इसी प्रकार आप ए नॉट इक्वल टू सी, ठीक है जी, बाकी सारे आप ऐसे लिख लेंगे। और ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो गया है।